आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सदाबहार पंजीरी। ये पंजीरी आप किसी भी टाइम और किसी भी मौके पर बनाकर खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही सरल है। चलिए हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। जिसके लिए मैंने सबसे पहले ली है एक कढ़ाई। इस कढ़ाई में हम डालेंगे घी। घी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालें कि आपको घी कितना चाहिए। आप इसमें कम ज्यादा आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैंने आप देख ही रहे कि मैंने 3 से 4 चम्मच घी के डाले हैं। और पंजीरी हमेशा जब हम बनाते हैं वो घी में ही बनाई जाती है, तेल में नहीं बनाई जाती है। इसलिए आप भी जब बनाएं तो इसे घी में ही बनाएं। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को करेंगे सेलो फ्राई, जिसमें हमने काजू और पिस्ता और बादाम लिए हैं। इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है और अब इसे फ्राई करना है। इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये रेडिश हो जाए, थोड़ा सा कलर इनका पिंकिश हो जाता है जब तक हमें इन्हें फ्राई करेंगे। और इसे हम जब फ्राई करें तो जल्दी जल्दी हमें फ्राई करना है, नहीं तो ये जलने भी लग सकते हैं। ये देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं, अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। हमें इन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा पिंक होने पर फ्राई करना है और इसे हम बाहर निकालते जाना है। अब ये इसी घी में हम करेंगे अपने गोंद। ये गोंद जो आती है इडेबल गोंद होती है, इसे हम ड्राई फ्रूट्स में ही यूज करते हैं। इसे हम फ्राई करेंगे और इस गोंद को मैंने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में इसे क्रश कर लिया था, जिससे अब जब हम इसे बाद में हमें इन्हें फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही रहेंगे। ये भी हमने फ्राई कर ली है और इन्हें हमें अच्छा फ्राई करना है। अगर हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे अच्छे से तो ये मुंह में फिर चिपकते हैं दांतों में। ये भी हमने फ्राई कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे अपने ये मींगी। इसे मींगी भी बोलते हैं, इसे खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। ये हम इसमें डालेंगे और साथ में हमने डाला है सूखा नारियल। इसे हमें जल्दी से चटकने लग जाते हैं, जल्दी हमें इसे निकाल लें, नहीं तो ये पूरे में बिखर जाते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं मखाने। थोड़ा सा हमने घी डाला था और इसमें हम मखाने डाल रहे हैं। मखानों को भी हमें जल्दी जल्दी फ्राई करना है, थोड़ा सा ये क्रंची हो जाते हैं जब तक हमें इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया इनको भी, ये भी फ्राई हो गए। और ये पंजीरी आप कभी भी किसी भी मौके पे बना के खा सकते हैं, जब आपका मन करे कोई मिठाई खाने का, या आप इसे एक डिब्बे में बना करके भी रख सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा घी और डाला है, अब इसमें हम डालेंगे आटा। ये आटा डाला है, आटा आप जब बनाए तो थोड़ा मोटा ही आटा लें, ज्यादा बारीक आटा नहीं चलता पंजीरी में, थोड़ा मोटा आटा लगता है। और इसे हम अच्छे से थोड़ा सा पिंक होने तक और खुशबू आने तक इसे सेकेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा घी और लगेगा तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें घी ज्यादा नहीं लगता क्योंकि ये थोड़ी सी भुरभुरी रहती है। अगर घी हम ज्यादा डालेंगे तो ये एकदम घी चिपकने लगता है इसमें आटे में। हमें इसमें इतना घी डालना है कि ये हल्का सा भुरभुरा सा रहे। देखिए जैसे मैंने भी थोड़ा घी डाला है और देखिए किस तरीके से ये आटा इसमें जब सिकने लगता है तो ये अपने आप ही खिलने लगता है। आटा है ये, इसमें थोड़ा सा पिंक सा होने लगा और अब हम इसे इतना ही सेकेंगे बस। और इससे खुशबू आने लगती है, ये इसकी एक पहचान है कि आटा हमारा सिक चुका है। आटा भी हमारा सिक गया है, ड्राई फ्रूट भी हमारे तैयार है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे मखाने हैं उसे हम फोड़ लेंगे। अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है कि आपको फोड़ने हैं तो आप फोड़ सकते हैं, नहीं है तो आप उन्हें साबुत भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए कितने हमारे क्रंची हमारे मखाने हुए हैं, तो ये हाथों से हमने इनको फोड़ लिया है। ये हमने अपने हाथों से अपने मखानों को हमने फोड़ लिया है। अब साथ में हमारी जो पंजीरी है इसमें डाल देंगे। पंजीरी आप इसमें थोड़ी सी ठंडी करके ही डालें, मतलब पंजीरी यानी कि आटा जो हमने भूना था उसे हमें थोड़ा ठंडा करके ही डालना है। इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे जिससे कि ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं मेवा के साथ। आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बूरा। जब हमारा ये मिश्रण पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें ये बूरा डालना है। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो बूरा भी डाल सकते हैं। बूरे से एक अलग ही टेस्ट आता है और चीनी अगर हम गर्म में डाल देंगे तो वो अपना पानी छोड़ देगी और हमारी पूरी पंजीरी खराब हो जाएगी। अब इसमें हम डाल रहे हैं इलायची का पाउडर। ये आपकी इच्छा अनुसार है कि आपको इलायची का पाउडर अगर अच्छा लगता है तो आप डालें। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद आप इसे किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हैं और आप इसका मजा ले सकते हैं। जब आपको लगे कि हमें कुछ खाना है चाय के साथ या नाश्ते में, आप इसे खा सकते हैं और आप इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ये आराम से 1 महीने तक चलती है, खराब नहीं होती है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है, एवर ग्रीन पंजीरी है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।